प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, सतगुरु सतनाम सतसाहिब जी, बोल सतगुरु देव महाराज की जय, सतगुरु देव महाराज की जय, सतगुरु देव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो प्यारे सत्संग जी, आई रिक्वेस्ट ऑल दी हंसर्स परमहंसास ऑफ सतलोक सतपुरुष जी ऑफ सतलोक अमरलोक, आई बो माय हेड बिफोर द सुप्रीम सुप्रीम कॉन्शियसनेस फॉर हिज बेनिडिक्शन लव एंड ग्रेस। टुडे I have appeared before you. Today it is 17th 2 2021, and the topic of the day is transformation. Is spiritualism from loss, fear and ego? So transformation is required for attaining spiritualism and permanent salvation from this planet. For that we have to see what are the baser elements. Like baser elements like potential, skill, intellect, as per your past karmas, your ancestors, parents are with you along with your true gradient of self, truth, love, joy and peace are there with you at the time of birth. You do possess all these qualities because at the time of birth we are pure soul. There is no amalgamation in the Suriti or Niriti, which is the combination of these two, is a soul. So all the baser elements are of this cosmos, this universe, because of mind and Maya. So these baser elements are the cause of our fear, loss, etc. Because mind makes us to act so, to undergo benefit, and when we undergo for a benefit or gain, we at the same time have to face losses as well. तो प्यारी सत्संग जी, मेरा कहना है कि हम अपने जीवन में तब्दीली चाहते हैं, हम चेंज चाहते हैं। दो तरह का जीवन है, एक तरफ है आपके पास कि आपने संसार में उन्नति करनी है, कुछ पाना है इस जीवन में, अपने लिए, परिवार के लिए, सबके लिए। तो उसमें हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास किसी भी काम करने के लिए पोटेंशियल होना चाहिए।
उस काम को करने के लिए स्किल होनी चाहिए, हम उसमें माहिर होने चाहिए उस काम के लिए, और हमारे पास इंटेलेक्ट होना चाहिए उस काम को करने के लिए। और ये सारी चीज़ें हमारे पास इस समय ही नहीं है, हमारे पिछले जन्मों की भी चीज़ें साथ। हम जिस तरफ चलेंगे उस तरफ वो पास्ट कर्म जो हमने किए वो होते हैं, वो भी अपना पार्ट प्ले करते चले जाते हैं। हम अकेले नहीं, हमने जो कुछ पिछले जन्मों में करा हुआ है वो हमारे साथ है, और वो भी सहयोग करता है, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो। तो वहाँ पर भी दोनों चीज़ें हैं, अच्छा भी है बुरा भी है, पर हमारा यत्न होता है कि हम अच्छी तरफ चलें। इसी तरह दुनिया भी है और स्पिरिचुअलिज्म भी है। हम पहले दुनिया की तरफ चलना चाहते हैं, और ज़्यादातर संसार कहता है कि अभी भक्ति का समय हमारा नहीं है बाबा, हमारा तो समय जीवन में कुछ पाने का है। और पाना सब लोग यही समझते हैं कि दुनिया की चीज़ों को पाना, बस यही भूल हो जाती है। सारी भूल यहीं पर है कि हम जो पाना है उसको भूले हैं, और जो नहीं पाना जिसको छोड़ना है उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। बस ये आलम्बना है मेरे प्यारे सत्संग जी। इसलिए जो बच्चा है उसको हम क्या काम करते हैं, हम उसको पुराने जो हमारे सीखे हुए रास्ते हैं, अपने अपने धर्म के मुताबिक जो हमने अपनाया है, हम उसके ऊपर लाद देते हैं। बच्चा कोई गाय बैल घोड़ा आदि नहीं है, वो संपूर्ण पूर्ण है, वो सब चीजों से लदा हुआ है, उसके पास प्रेम की सीमा से बाहर प्रेम की दौलत है, सीमा के बाहर सत्य है, सीमा के बाहर उसके अंदर आनंद है, सीमा के बाहर उसके अंदर शांति है। तो हम कितना बड़ा कुकर्म कर जाते हैं। यही मेरा आपसे कहना है कि प्यारे सत्संग जी, हम इतना जो हमारे घर में जन्म लेते हैं ना, उनके साथ अर्थात हम जितना बुरा व्यवहार करते हैं उससे बुरा व्यवहार तो कहीं कोई कर नहीं सकता। हम सब चीजें उसके ऊपर थोप देते हैं और हम समझते हम तो बिल्कुल ठीक हैं। तो इसी तरह दे आर मैनिपुलेटेड बाय पेरेंट्स, द चिल्ड्रन आर मैनिपुलेटेड बाय पेरेंट्स, सोसाइटी, दे ट्राई टू टेक द चाइल्ड एज पर देयर ओल्ड रॉटन पाथ्स, एस्पेशली टूवर्ड स्पिरिचुअलिज्म। They do great injustice to one who is coupled, full of, complete in itself. He is complete in itself. He is fully occupied with all the four qualities, four gradients, which are the qualities of supreme consciousness, which are the qualities of true and real Satguru of the time. Those qualities are well within each and every individual who comes on this planet as newborn baby. But see what we do with him.
we try to accumulate all rubbish, all nonsense, all worthless acquired by us during our lifetime period on this planet, not only of this birth but of so many births that we have taken on this planet, and we think that we have done a noble job, that we have made our son Hindu, made our son Muslim, made our son Sikh, made our son Christian, as per your own ideology. This is, I should say, the most heinous act of human being on this planet. And this work has not been done with me, with my brothers and sisters, by my parents. We were at liberty to do, act, think ourselves as per our way of worship was concerned. The Paris Satsang Ji, mera kehna hai ki sara kaam wahin se kharab ho jata hai jab hum bachche ko अपना पत्थर जैसा, जो धर्म तुमने अपने पास इकट्ठा किया है, जो तुमको अपने बुजुर्गों ने दिया है, वो पत्थर समान, पत्थर से भी ज्यादा सख्त मैं कहूंगा वो चट्टान है, जिसका तोड़ना अति कठिन, बहुत बड़ी भारी चट्टान। आप उस बच्चे के सर पर प्रतिपल और प्रतिदिन लादते चले जाते हो और देखो वो भी यही कहता है, क्योंकि आप भी ये कहते हो भाई ये बनना है, तुमने ये बनना है, संसार की दुनिया में उसे इतना अग्रसर कर देते हो कि बस तूने भाई डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तूने आईएएस ऑफिसर बनना है, तूने ये सब कुछ बनना। हम ये सब कुछ बनने के लिए संसार में नहीं आए बाबा, हमें तो संसार में भेजा गया क्योंकि सतपुरुष ने मन और माया को पहले भेजा और फिर हंसों को उनके साथ इस धरती पर भेज दिया, जाओ ले जाओ इन हंसों को और इनके साथ राज करो, इस निरंकार भगवान को 17 आयोजन चौकड़ी का वर दे दिया, ये करो इस इन पे राज। और हंसों को कहा जैसे तुम यहां से जा रहे हो वैसे जब बन जाओगे तो वापस तुम अपने घर आ सकते। कोई कोई पूंछा अमर लोग धर्म आया ले आए, कोई कोई विरला जन अमर लोग पूछता है बाबा। ये गधा भाई जो आपके पास बैठा है ना, पूरी सृष्टि में इस युग में ये अकेला पहले गया, उसके बाद बड़े साहब जी गए, उसके बाद इस गधे भाई के द्वारा कई अमर लोग गए। जिस तरह हमारी मदर गई और शोजी गए, धर्मदास जी पुंछ वाले नहीं, अभी वो मानसरोवर, और अभी रिसेंटली जो मेरे शिष्य भी थे और मेरे बड़े भाई भी थे, वो उनकी पत्नी भी, पत्नी 2 दिन उनसे 3-4 दिन पहले शरीर त्यागा और उसके बाद
वो मानसरोवर पहुंची और मेरे साथ प्रतिदिन रात को 9:30 बजे वो बात करते थे, जब से उनका थोड़ा सा सेहत ढीली हुई। तो जब तक वो बात कर सकते थे, पूरे 9:30 बजे वो मुझसे सत्संग करते थे। तो फिर सत्संग जी उन्होंने उर्ध्वमुखी होके मेरे को देखते हुए शब्द का सिमरन करते हुए शरीर त्यागा और सीधे निज धाम पहुंचे, मानसरोवर नहीं गए। उनका जीवन साथी जो इस धरती पे था वो मानसरोवर पहुंचे और वो खुद निज घर पहुंचे। इसलिए जब तुम उर्ध्वमुखी हो जाओगे तो उर्ध्वमुखी होने का मतलब है तुम शुद्ध आत्मा बन जाओगे। और शुद्ध आत्मा यही तो बात कही गई, जे तू मेरा हो ही रहे सब कुछ तेरा होए। तो वो मेरे से बड़े होकर भी उन्होंने सारी संगत के सामने प्रणाम करते थे, मैं छोटा, उन्होंने मेरी परवरिश की, मुझे पढ़ाया, आगे बढ़ाया, बाप की जगह भी काम किया और फिर देखो शिष्य भी बने। और शिष्य पूरी श्रद्धा से बने और सीधे ये चार लोग, मैंने कहा ना अभी तक मेरे फादर, मेरे दादा, परदादा जो है वो मानसरोवर है सारे, लेकिन मदर हमारी वो भी पहले मानसरोवर गई थी, फिर वहां से मैंने उन्हें मानसरोवर से दूसरे दिन वो वेट कर रही थी और मैं पहुंचा ही तो उनको साथ लेके निज धाम पहुंच गया। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना आपसे ये है कि स्वांसा को उर्ध्वमुखी करने का पूरा 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 अभ्यास करा करो, ताकि नाभि पे स्वांसा न जाए और आपका जी जो बॉडी है डेड हो जाए। इसी को कहा जीवत मरिए बवजल तरी। जब ये बात आ जाती है तो हम सीधे फिर सीधे निज धाम भी जा सकते हो, लेकिन उसमें दो बातें, शब्द में रहना, सतगुरु को पाना, दो बातें हो जाए तो सीधे निज धाम जाओ, नहीं तो पूर्ण मन साफ नहीं होगा तो फिर मानसरोवर जाना पड़ता और वहां आपकी सफाई होती है और उसके बाद आप, हाँ मानसरोवर भी कोई छोटी जगह नहीं, बहुत पहले निरंकार भगवान को मानसरोवर ही दिया गया था राज के लिए, लेकिन उन्होंने कहा वो छोटा है मुझे बड़ा लोक दो, फिर सतपुरुष ने ये बड़ा 3 लोक उनको दिया, इसमें सुन तत्व डाल दिया और सुन तत्व में निरंकार समा गए और इस तरह से इस संसार को दो रूप में रहते हैं, आपकी सुषुम्ना में भी रहते हैं यूनिट माइंड के रूप में और इस सारे कॉस्मास में, इस सारी यूनिवर्स में भी वो शून्य तत्व में समाये रहते हैं। इसलिए 5 तत्व उन्हीं के अपना रूप है, 5 तत्व में वो समाये रहते हैं। तो कहने का मतलब है 5 तत्व उनके अपने रूप ही हैं। 5 तत्वों में संसार पूरे पूरे विश्व में है, कॉस्मास में है और तुम्हारे अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार के रूप में, बॉडी के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार इन्हीं का रूप है और जो बाकी 10 इंद्रियां हैं वो 10 इंद्रियां जो माया का जाल, क्योंकि वह तन के मुताबिक काम करती, मीठा मीठा खाते हो, अच्छा अच्छा सुनते हो, सुंदर सुंदर सुनते हो, सुंदर दृश्य देखते हो, इसी तरह सुंदर आवाज, सुंदर संगीत, तो आपके जो मुंह, नाक, कान, आंखें और ये त्वचा है ये अच्छा स्पर्श बॉडी मांगती है, इसी तरह से टांग जो जीवा है
वो मांगती है अच्छा अच्छा खाना, नाक कहता अच्छा अच्छा सूंघना, कान अच्छा अच्छा सुनना। तो इसी तरह तुम्हारे पांच कर्म इंद्रियां हैं, जिसमें मुंह भी पांचवा दोनों में आ जाता है, कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय। तो इस तरह से प्यारी सत्संग जी, ये हमारे हाथ हैं, हमारे दो टांगे हैं और हमारी त्वचा है, ये सारे जो हैं आपकी इंद्रियां हैं। तो प्यारी सत्संग जी, हम इन्हीं की दुनिया में बहते रहते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि हमें ये शरीर दुनिया की दाते पाने के लिए नहीं मिला था, ये तो मिला था कि मन माया को त्यागते जाना है और सत्पुरुष की ओर बढ़ते जाना और अपने घर पहुंच जाना। लेकिन एक न भूला दो न भूले, भूला फिरिया कुल संसार, सारा संसार भूल चुका है। तो भी कहते हैं मो को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो हर श्वासा के श्वास में, पर श्वासा के श्वास में पहचान सदगुरु से मिलती है। कैसे कैसे श्वासा में श्रुति और नृति को जोड़ना है, फिर ही बात बने। एक मैच बक्स है और एक मैच स्टिक, दोनों के मेल से अग्नि उत्पन्न होगी, ऐसे अग्नि उत्पन्न नहीं होगी। तो इसी तरह से प्यारे सत्संग जी, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी ऑन द प्लेनेट, द चाइल्ड इज टेकन एज रॉ मटेरियल, यू डोंट कंसिडर हिम एज ए वेल डिवेल्प्ड पर्सनैलिटी, यू कंसिडर चाइल्ड एज ए रॉ मटीरियल टू बी मोल्डेड, जस्ट लाइक ए पॉटर टेक्स मड एंड मेक्स ए पिचर आउट ऑफ द मड। मड इज ए रॉ मटीरियल फॉर द पॉटर एंड चाइल्ड इज नॉट ए रॉ मटीरियल, he is full of concentration, he is fully awakened so far as concentration is concerned, but you consider him raw material to be molded, whereas he is full and needs guidance from an elevated soul in the real sense to just ignite spark. You have just to ignite, just as a matchstick has to be struck against a matchbox to get it ignited. So he needs Shruti of true and real Satguru to be ignited. The earlier the better. Let mother be bestowed with alive holy name, and she should infuse that very word every day in his own surti in the womb, and child will go on learning. Just like Abhimanyu learned everything, how to fight, how to act in the Chakravyuh, but he couldn't learn the art of coming out of the Chakravyuh, because at that time his mother fell fast asleep. You have to and you must learn at the infancy stage through mother. Whatsoever she will think, observe, feel, goes direct into the Shruti concentration of the child in the womb. So don't consider child as a raw material to be molded. He is full and needs guidance from an elevated soul in the real sense to just ignite spark
in the Sruti of new infant. He will start moving as per the message of Sadguru Sruti along with the Supreme Sruti of Satpurush. So he needs to be, ignited by the Sruti of Supreme Consciousness. Just as I said, if mother is bestowed or blessed with alive holy name from true and real Sadguru, as she will go on concentrating on word along with Sruti and breath, the child too will get the same. And his Sruti will get ignited every day, every moment, and his soul will be ignited properly, and every day transformation will take place in his Sruti consciousness. So, ignite the spark in the Sruti of new infant. He will start moving as per the message of Satguru. He will start working on those very lines. Without any teaching, without any guidance, this breath, Sruti, and alive holy name, these three will perform wonders and wonders well within the new infant. So, the message of Satguru Sruti along with the Supreme Sruti of Satpurush, because Satpurush Sruti is with the Sruti of Satguru. His Sruti has been concentrated by the Sruti of Satpurush. Satpurush himself resides in Satguru. And when you will be bestowed with this alive holy name, blessed with this alive, your Sruti too will get concentrated, and you will find Satpurush, Satguru along with your Sruti day in and day out. No need of running here and there. No, you will not be a stone. You will be a flute. You will not only be flute, a gust of wind which can move from one place to another, thousands of miles can be covered within no time. So same is the case with Sruti. Sruti covers lakhs and lakhs of miles within second. But you are fully engrossed in religions which do nothing more than scuffles, hatred, jealousy, ego, fear. They are not giving any dividend to the society. They are the source of hatred. No dividend can be attained out of this. So try to become Sruti. Get concentrated with alive holy name and be one with your real father, Satpurush himself. So Satguru will come in the forefront to rescue you as a newborn baby. Satguru will come to your rescue even when you are in the womb, provided mother and father are blessed with alive holy name. Then miracles and miracles are performed on this planet. By guiding spiritualism,
we put a child. Loss after loss, which is irreparable at the later stage, by guiding without spiritualism, we put a child loss after loss, which is irreparable at the later stage. Spiritual losses can also be repaired by mystical working of destiny, for the losser may bring hidden opportunities for our spiritual growth. Blessed are those who weep now, for you will laugh. If you will weep now in search of true and real Sadguru, be blessed with the Alive Holy Name, then this weeping of yours will turn into loss. Because when you will be blessed with this Alive Holy Name, then you will feel what I have gained in my life, where I was moving and where I have come. So, Pyari Satsang Ji, bachcha sab kuch saath lata hai, par hum usse maati samajh ke us kumar ki tarah tarashna shuru kar dete hain. उसे गाइडेंस चाहिए, उसको आपकी हेल्प चाहिए, कोई शक की गुंजाइश नहीं. डायरेक्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए. माल तो उसके पास है सारे का सारा, उसके अंदर प्रेम है, सत्य है, आनंद है, शांति है. बस उसकी सुरती को इग्नाइट करना. एक चिंगी आग की पड़ी पराने घास, सूखे घास पे एक चिंगी आग की, सारा करती राख. सब जल जाता है मन माया का, धरा धराया. फिर वो जो काम करता है वो सत्य का हो जाता है, प्रेम का हो जाता है. और संसार प्रेम विजाति को प्रेम समझ बैठ. ये दो का प्रेम नहीं होता, प्रेम तो विश्व रूपी होता है. प्रेम तो चौथे लोक तक का फैला हुआ होता है. प्रेम की खुशबू जब फैलती है तो सत्य ही सत्य हर ओर होता है, आनंद ही आनंद हर ओर होता है, शांति ही शांति हर ओर. चार चीजों से लद जाता है सारा संसार. लेकिन क्या करूं प्यारी सत्संग जी, नानक दुखिया सब संसार, ओ सुखिया जिस नाम आधार. बबी यही क्या के कहते कहते सबगे कबीर खड़ा बाजार में, लिया लोहाटा हाथ, जो जराए घर अपना चले हमारे साथ. बस इग्नाइट करना है सुरति को और फिर मेरे जैसे ही बन जाओगे और अपने घर पहुंच जाओगे. चलो हमारे साथ, सतगुरु ले चलते हैं निज घर तुम्हारे. लोहाटा ही मैं लाया हूं साथ, जो वो लाए थे वही दात सतपुरुष वाली. भाई कोई माने ना, मैं लाख समझाऊं जग माने ना. वो कहता है क्योंकि पत्थर समान रीति रिवाजों में फंस गया, नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ रहा, यही अडम्बन है. उनसे निकलना आसान नहीं.
तुमने बच्चे को पूरी तरह से उस ककून की तरह, उस रेशम के कीड़े की तरह चारों ओर उसको लपेट दिया है अपने विचारों, उसे नहीं निकलने देते। मंदिर जाने वाला मंदिर घसीटेगा बच्चे को, मस्जिद जाने वाला मस्जिद घसीटेगा, गुरुद्वारे जाने वाला गुरुद्वारा घसीटेगा, चर्च में जाने वाला चर्च की ओर घसीटेगा। उसे आजाद रहने दो, उसे अपने आप को संभालने दो, वो जान जाएगा। तुम उसे संसारी चीजें देना चाहते हो तो दो, स्पिरिचुअलिज्म मत दो, ये बहुत बड़ा घाटा पड़ जाता है, फिर पूरा नहीं होता, इरेपरेबल लॉस। इस लॉस को पूरा करना बड़ा कठिन हो जाता है, और फिर बच्चा ये समझता है बढ़ापा है, ये सिर्फ भक्ति है, क्योंकि वो देखता है दादी भक्ति कर रही है, दादा भक्ति कर रहा है, वो कहता है वही एज भक्ति की, ये सारा संसार का बाल अवस्था खेल गवायो, जब जोवन तब मन गिनारे, बीत गए दिन भजन बिनारे, हड्डियों गोड़ियों गए थे राम जपन डे। वो दर्द को देखता है, दर्द अपना दूर हो जाए, तकलीफ को देखता है और राम राम करता है, और बच्चा समझता है ये भक्ति कर रहा है। वो दर्द की भक्ति करता है, वो बीमारी की भक्ति करता है, वो बुरे दिनों की भक्ति करता है, वो माली की भक्ति नहीं कर रहा। जिन जाने आते न रंग माने, अरे मैं बचपन से लगा हूं तो आज वो आनंद मान रहा। बाल अवस्था में जिन पायो रे, तिन ही जानो राम, तिन के चार राम है होते, पल में जाते निज धाम, निज धाम फट पहुंच जाते, चौथे राम के घर पहुंच जाते। तीन राम व्यवहार है, चौथा राम निज धाम, वो निज धाम आप ही निज धाम। इसलिए प्यारे साहिब सिंह जी, किस किस को समझाऊं, बड़ा कठिन हो गया, बड़ा ही कठिन। मैं इस कोरोना के पीरियड में भी आज आपको ये 505 सत्संग दे चुका हूं, और यह अब आगे दे रहा हूं, इसके एक बनते हैं, दो बनते हैं, दे रहा, क्या करूं, मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी लगी, मुझे ड्यूटी देनी, मुझे झाड़ू पोछे सब कुछ मारने हैं और आपके पास बैठने हैं और आपको कुछ देना, क्या करो। इफ यू अलाउ आवरसेल्व्स टू एक्सपीरियंस इमोशनल स्पिरिचुअल अंडर करंट्स फ्रीली, वी एंटर ए वेरी वल्नरेबल स्टेज। अगर इफ वी अंडरस्टैंड ट्रू एंड रियल स्पिरिचुअलिज्म, understand the real hidden meaning of spiritualism, these waves enlightened each and every segment of the universe, and that is called love. Love is not a limited thing, it is a wave of seven seas. One day all the seven seas will join together, and then waves will toss from one unit to another. They will spread the sign of love. So when the whole humankind, whole life on the planet will appear to you as one segment, at that time you will be called a person of love, truth, joy and peace. When your love is a segmental one, pertaining to family, pertaining to relations, it is not love. Love is a very broad and very broad, and which never ends, which has no end. It has no beginning and no end, just like fourth law, just like supreme soul. It is endless, limitless,
behind explanations. It can't be explained. It can't be limited. It is infinite. It is universal. It is there from time immemorial and will live up to infinity. Endless, limitless, behind explanations. So this is the tragedy of the time, that we have divided this love, truth, joy and peace. They are one. They can't be separated. If one comes, all the other are with it. They always remain in harmony. They can never be separated. They always remain united and act in a harmonious way. As we confront our inner void in a spirit of true surrender, as if you have plunged yourself along with the waves of sea, without but with hope, the Supreme Consciousness with me in the guise of true and real Satguru Venam of the time. So, when inner vacuum void is filled with the Supreme Surati of Supreme Lord through concentrated Surati of Satguru, your void is surcharged and you feel as if you have plunged yourself into the sea and moving along the waves of the sea without any effort, without any wish, without any desire, along with Supreme Consciousness, and you feel the presence of somebody along with you. Just as yesterday when in the evening we were sitting for a prayer for Aarti, at that very moment I saw my sadhak, my brother, all around in that ashram, listening, attending the prayer of his own Satguru, this Venam. The moment we started, he left for Amarlok. This much you can do. Have true love with your true and real Satguru and get everything. Then and then you will move along with the waves of the four lokas. You can be present with your Satguru at the time of prayer, at the time of satsang, at the time of giving sermons to the society, because my soul is fully elevated, surcharged with the Supreme Surti of Supreme Consciousness. And whatsoever I am speaking, it is not me, it is Satpurush himself. It is he who is giving these sermons to you through the mind of this body, which acts as a mic of Satpurush. And you can relish, you can elevate your Surati, and if you put this very Surati into your work, that work too will turn into, I should say,
supreme current of consciousness, every work, every action, every thought, every action of yours will be totally linked with the supreme surti of supreme consciousness, that is service. So once we get anchored in deeper awareness, just as ships are connected with the shore, linked with one another, they get anchored. In deeper awareness, we recover from the pangs of grief or any sort of loss, but you find profound transformation with get entangled with the surti of Satguru. Anchor yourself with the surti of supreme surti of supreme Lord, through the surti, through the concentrated surti of Satguru, get connected with the endless ocean of supreme consciousness, and then you will see all the pangs of suffering will go, will be elapsed, and you will not be in any loss, but gain and gain with profound peace, truth, love and joy, and complete transformation will take place within you. Mind and Maya will aloof, they will go, because they too will attain peace and take rest in Mool Surti of yours. They too will take rest in peace, in calmness, and you get anchored with the supreme Surti of Satpurush. तो मेरा कहना है प्यारी सत्संग जी, जब हम अंदर की सुरति को सतकृष्ण सतगुरु की सुरति से जोड़ते हैं, दोनों की सुरति एक हो जाती है, रेजोनेट करने लगती है एक दूसरे में, और उसका उसकी ध्वनि इतनी ऊंची हो जाती है कि जैसे आप समुन्द्र में, और जब ये ध्वनि सतपुरुष सुप्रीम सुरति के साथ रेजोनेट करने लगती है, तो आपको लगता है कि सात समुन्द्र एक हो गए, और उसकी लहरों पे मैं दौड़ रहा हूँ, चल रहा हूँ, और एक सेकंड में ही आप निज घर पहुंच जाते हैं। और अगर सतगुरु से बड़ा प्रेम होगा तो निज धाम में रह के भी आप सतगुरु को मिलने आओगे, जैसे कहा ना मेरे साधक या मेरे बड़े भाई साहब, रात को ही जब आरती में बैठे थे, क्योंकि मैं जब आरती बोलता हूँ तो आरती नहीं होती, वो तो सीधा निज धाम में बैठा होता हूँ और आरती यहाँ कर रहा होता, इसलिए वो भागे हुए आए और सारे एरिया में बस आनंदित थे कि वाह मैं आरती सुनने आया अपने सतगुरु की। प्यारे सत्संग जी, सतगुरु शरीर नहीं होता, अगर मैं शरीर होता तो 10 साल आपके लिए पोछे क्यों मारता, मैं 10 साल झाड़ू क्यों मारता, 10 साल ये चादरें क्यों धोता रहता जो आज भी धोता रहता हूं। जब भी आओगे तुम्हें ये हाल ऐसा लगेगा कि जैसे अभी साफ करके सब कुछ रखा है। तो प्यारे सत्संग जी, सतगुरु तो दास होता है संगत का, दासा दासा पन जे आ गया तो सब कुछ तेरा होए, यही नहीं आता तो बात बने कैसे। हाँ, मेरी संगत बहुत अच्छी है, मेरे को अपनी संगत से कोई शिकायत नहीं, खासकर जिस तरह इन्होंने हीरों की तरह इस कोरोना के पीरियड में
संसार की सेवा भी की, परिवार की देखभाल भी की, सदगुरु से भी इन टच रहे, ये बहुत बड़ी बात। ऐसे बन जाओ तो देश हमारे बड़े भारत के देश को ऐसे आदमियों की जरूरत जो बिना किसी लाभ के सबको एक जाने, सबकी सेवा करे, सब एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे, किसी को ना बुरा समझो, सभी भले, एक से आए एक में जाना, कौन अच्छा और कौन बुरा, किसने है ये सब जानो, बस ये जानो कि हम सब एक एक आत्मा है, एक सुरती है और उसी में समाना है, उसी में समाए थे, उसी में आए, उसी से आए हैं, उसी में चले जाना है। मत भेदभाव करो, और मैं खुश हूं अपनी संगत पर कोई भेदभाव नहीं करते, एक पैसे का भेदभाव नहीं करते, ना किसी की जात पूछते हैं, ना धर्म पूछते हैं, बस सेवा करते हैं, ऐसे ही लगे रहना। अपने हमसाए ने रोटी खाई तो तुम खाना, अगर हमसाए ने रोटी नहीं खाई तो तुम भी नहीं खाना। मैं बड़ी मसाले आपको सुना चुका हूं, इसलिए प्यारे सत्संग जी, आली सुप्रीम सोल दैट इज अमर लोक बेगमपुर हु इज सतपुरुष हिमसेल्फ, अमरपुर बेगमपुर इज सतपुरुष हिमसेल्फ, एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल, nobody knows when it came into existence, it is endless, it is limitless, and time and space can't conquer it, it is till eternity, that is true without end, without time, without space, it is as free as anything can be, as limitless as infinity. So my Satpurush has got no limit. Endless and limitless is Amarlok, endless and limitless is Satpurush himself. So awareness of self, self-realization and complete knowledge of Supreme Consciousness gives us the strength to overcome feelings of loss and grief. So awareness of self, realize your own true self, that you are not a body or mind, you are Surti. Realize yourself. Self-realization can take place when you get alive holy name from true and real Sadguru. And complete knowledge of Supreme Consciousness comes when you get awareness, when you become habitual of living in the present moment and you let go past and future wishes and desires. And every moment appears to you as same. No difference in gain and loss, no difference in high and low, no difference in cold and hot, always remain alike, perfect and true soul surati, consciousness, concentration. Be in touch with concentrated surati of Satguru, and this will make you to be in touch with the Supreme Surti of Satpurush. So what is true, real, and cultivating detachment to what is ephemeral, lasting for a very short time. Don't get engrossed with the ephemeral things. Don't run after material things. Don't wish for the material.